अस्सलामुअलैकुम, आपका होस्ट और आपका शेफ आज आपके साथ फिर हाजिर है। आज हम बनाने जा रहे हैं ये डिलिशियस, बहुत ही मज़ेदार हमारी पालक गोश्त, और इसके साथ हम मैं सर्व कर रहा हूँ बॉयल चावल। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ऑलराइट जनाब, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं, मटन या बीफ यूज़ करेंगे, मैं मटन यूज़ कर रहा हूँ 2 पाउंड या 1 kg, स्पिनच या पालक 2 पाउंड या 1 kg, अनियन जो हमारे पास हैं चॉप्ड अनियन 2 लार्ज साइज़ या मीडियम की साइज़ के 3 चॉप्ड अनियन है हमारे पास, टोमेटो हैं 2 मीडियम साइज़ के, वो भी मैंने चॉप्ड किए हुए हैं, ओके। ग्रीन चिलीज हैं हमारे पास 3, जिंजर गार्लिक पेस्ट है हमारे पास 1.5 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी लिया है, ये है मिक्स स्पाइसेस, 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा जो कि ये है, नमक हसबे ज़ायका, अजवाइन है हमारे पास राइट देयर जो कि पिसा हुआ अजवाइन है 1/4 टीस्पून, सॉल्ट एज यू लाइक इट, आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, मिल्क हमारे पास है 1/2 कप, और गरम मसाला हमारे पास होगा 1 टीस्पून, और लास्ट बट नॉट लीस्ट मेथी, आप फ्रेश मेथी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ कर रहा हूँ ड्राई मेथी। सो ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, उसमें हम मीडियम साइज़ का पैन मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसमें हम डालेंगे ऑयल जो कि 2 टेबल स्पून आप कह सकते हैं, मैं एक अंदाजे से डाल रहा हूँ। इट्स अप टू यू, इफ़ यू लाइक ऑयली यू कैन ऐड मोर ऑयल, बट 3 टेबल स्पून इज गुड इनफ। उसमें हम डाल देंगे, सबसे पहला स्टेप जो है वो हम डाल देंगे हमारी चॉप्ड प्याज, जैसा कि आप देखेंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे, मेक श्योर फुल ब्राउन नहीं करना है, प्याज को हम लाइट ब्राउन। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा, हम गोश्त ऐड करेंगे और साथ में अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट बताया था 1.5 टेबल स्पून, वो भी ऐड कर देंगे। इसको डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से भूनने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं ये अच्छे से भुन गया है, इसमें हम ऐड करेंगे टोमेटोज, हरी मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 5 मिनट के लिए भून लेंगे। मिक्स करने के बाद जब ये एक जान हो जाए, 5 मिनट भुनना है, भुने नहीं भुनना, नहीं भुने इट लुक्स रियली गुड, मिक्स वेरी वेल। इसके बाद जो मैंने स्पाइसेस बताई थी, हल्दी, मिर्ची, धनिया, ज़ीरा, नमक, अजवाइन, सबको हम एक साथ ऐड कर देंगे। ओके, स्पाइसेस डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया है, इसको हम इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1/2 कप, और इसको ढक करके रख देंगे ताकि गोश गल जाए। यूजुअली डिपेंड्स ऑन द गोश, अगर मटन है तो थोड़ा कम टाइम लेगा, बीफ है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, बट गोश टेंडर करना बहुत ज़रूरी है, सो हम ढक करके
रख देंगे। ओके, लेट्स वेट अंटिल द गोश्त गेट्स डन। ऑलराइट जनाब, आफ्टर 35 टू 40 मिनट्स हमारा ये गोश्त देखें अब पक चुका है और गल चुका है। सो लेट मी ट्राई टू शो यू। देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त एक सालन की शक्ल आ चुकी है, भुना हुआ जैसा सालन बनता है। नेक्स्ट स्टेप जो हम करने लगे हैं वो है वी विल ऐड द पालक। ऐड करने लगे हैं, ये देखें मैंने पालक को अच्छे से साफ करके धो करके रख लिया है जो कि मैं इसमें ऐड करूँगा। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे गोश्त के साथ। ये पालक दिखने में ज़्यादा लगता है बट ये जब इसके साथ पकेगा तो ये बिल्कुल ही सिकुड़ जाएगा और कम हो जाएगा, देखेंगे आप आगे वीडियो में। आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ओके जी, पालक अच्छे से मिक्स हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। पालक को जो है ओवर कुक नहीं करते क्योंकि सारी न्यूट्रिशंस जो पालक के होते हैं वो लूज़ कर देते हैं अगर आप ओवर कुक कर दें इसको तो। जैसा कि हमारे घरों में अक्सर आपने देखा होगा कि तेल निकल रहा होता है सालन से पालक के, इट्स नॉट लाइक दैट। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अच्छा खासा न्यूट्रिशन वो लूज़ कर देता है जो पालक के अंदर न्यूट्रिशन होता है। इसको हम तेज़ आंच पे हाई फ्लेम पे इसी तरीके से पकाएंगे और ये मिक्स करते रहेंगे ऐसे ही थोड़े थोड़े। ओके जी, हाँ, आई एम यूजिंग देसी घी ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून क्योंकि मैंने ऑयल, अगर आपने देखा हो कि मैंने ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया है। सो ठीक है जी, मैंने इसलिए ये यूज़ किया है क्योंकि खुशबू अच्छी आ जाए, टेस्ट अच्छा आ जाए और आई डिडेंट यूज़ द टू मच ऑयल व्हेन आई वाज मेकिंग इट। सो इसको अच्छे ऑलराइट जी, पालक अच्छे से गोश्त के साथ मिक्स हो चुका है और पालक जो है यूजुअली पानी छोड़ता है जैसा कि आप देखें, इसमें शोरबा अच्छा खासा हो गया। तो हम इसको 2 मिनट के लिए ढक करके लो फ्लेम पे रख देंगे। ओके जी, 2 मिनट हो चुके हैं, लेट्स सी। वाओ, डजंट लुक डिलीशियस। बस ये फाइनल स्टेप्स हैं जो कि मैं बताने लगा हूँ। इसमें आप जो मैंने हाफ कप दूध कहा था वो हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप इज हाफ टी स्पून जो हमारा गरम मसाला हमने था वो हम ऐड करेंगे। इसको भी डाल के हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ओके जी, ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अगेन 2 मिनट के लिए हम इसको ढक करके रख देंगे। ओके जी, हमारे 2 मिनट गुजर चुके हैं, लेट्स सी हाउ इट लुक्स। ब्यूटीफुल। सो देखें जी, ये तैयार हो चुका है तकरीबन। आपने लास्ट स्टेप में इसके नमक चेक कर लेना है बिकॉज समबडी लाइक्स वेरी लाइट सॉल्टी, समवन लाइक्स वेरी राइट अमाउंट ऑफ सॉल्ट, इज अप टू यू। तो आपने नमक चेक करना है। अच्छा, सेकेंड थिंग इज देखें, ये ग्रेवी जो है थोड़ी सी इतनी थिक नहीं है, इतनी गाढ़ी सालन नहीं है। तो इतना गाढ़ा सालन अगर नहीं है जैसा कि आप, इट्स अप टू यू। मैं थोड़ा सा पालक गोश्त में मेरा जो मुझे पसंद है वो थोड़ा सा मैं ग्रेवी जो है उसका गाढ़ा रखता हूँ, मतलब थोड़ी सी थिक ग्रेवी होगी मतलब। तो आई एम गोना एवपोरेट द वाटर फ्रॉम इट बाय कुकिंग फॉर 2 or 3 more minutes ऑन अ हाई फ्लेम। ये जितना भी पानी है ये एवपोरेट हो जाएगा और एक थिक तरीके की ग्रेवी हमारे पास आ जाएगी। ओके जनाब, ये हो गया है ज़बरदस्त रेडी, देख रहे हैं आप, इट लुक्स डिलीशियस। हल्के हल्का सा
क्रीमी टाइप टेक्सचर आ जाता है ये, और ये हो गया है हमारा पालक गोश्त रेडी। द वेरी वेरी लास्ट स्टेप इज, आपको अगर याद हो मैंने कसूरी मेथी मेंशन की थी, इसको हम ऊपर से इस तरीके से छिड़क देंगे और इसको हम दम लगा देंगे। बहुत ही मज़ेदार डिलिशियस ये पालक गोश्त तैयार हो चुका है। इसको हम सर्व करने लगा हूँ ये बॉयल्ड राइस के साथ, साथ में कुकम्बर, सम रोमेन रेड लेटस, और बहुत ही डिलिशियस लग रहा है ये। आई होप यू लाइक माई वीडियो, आपको मज़ा आए ये रेसिपी बनाने में, और मज़ा आए तो अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, और लेट मी नो हाउ आई एम डूइंग। I hope you will enjoy my all recipes. Please subscribe my channel and do share with your family and friends. इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, गुड बाय।